वेल दोस्तों, अब WhatsApp में सीक्रेट चैट को छुपाना और भी हुआ आसान। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने WhatsApp चैट को और भी ज़्यादा सिक्योर कैसे रख सकते हैं। दोस्तों, WhatsApp अपने यूजर्स के लिए नए नए अपडेट लाते रहता है। ऐसी एक नया फीचर अपडेट हुआ है जिसके बारे में मैं आज आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, WhatsApp पर अगर आप किसी से पर्सनल बात करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस चैट को लेकर सिक्योर रहें कि कोई और पर्सन उस चैट को ना पढ़ सके, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ, एक प्राइवेसी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखने की ज़रूरत होगी। अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो तो आप लोग भी जान जाओगे कि WhatsApp पर ऐसा कौन सा सीक्रेट सेटिंग है जिसके बारे में आप सभी को नहीं पता है। वैसे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। इन फ्यूचर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा कामगार हो सकता है, क्योंकि WhatsApp के सभी चैट्स एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होते हैं। हालांकि आप ऐप को और अधिक सिक्योर बना सकते हैं, जिससे कोई भी आपके चैट को चोरी छिपे पढ़ भी नहीं पाएगा। WhatsApp के टिप्स एंड ट्रिक्स के तहत आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग अपने WhatsApp को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सकेंगे। तो चलिए फोर देर किस बात की, वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो मेरा नया यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशंस। ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में WhatsApp एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो यहाँ पर से मैंने WhatsApp को ओपन कर लिया। अब मैं आपको जैसा जैसा बताऊँगा आपको सेम टू सेम वैसा करना है। ऊपर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर से सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। दोस्तों, WhatsApp का ये अमेजिंग फीचर है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक याद से कर लीजिएगा। अब यहाँ पर से आपके सामने अकाउंट, चैट्स, नोटिफिकेशंस, स्टोरेज एंड डेटा, कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर से ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर से अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर से हम जैसे ही अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर से कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो अब आपको प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर से लास्ट सीन, प्रोफाइल फ़ोटो, अबाउट, स्टेटस, ये सारे आपको यहाँ पर से ऑप्शंस मिलते हैं। ये सेटिंग्स भी है, लेकिन अब आपको नीचे आना है और यहाँ पर से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट लॉक। अब ये क्या काम करता है, किस लिए दिया गया है, पहले ये समझते हैं। और ये अभी डिसेबल है, आपको इसे इनेबल करने पे क्या फ़ायदा मिलेगा वो भी चलो जानते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर से अगर आप अपने WhatsApp में टाइमिंग के हिसाब से लॉक लगाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर से जैसे कि हम WhatsApp चला रहे हैं और हम जैसे कि दो मिनट के लिए बैक हो चुके हैं और अचानक से कोई हमसे, कोई फ्रेंड है, मोबाइल मांग लिया है। अब वो मोबाइल तो ले लिया है हमसे, अब वो फिर से अगर वो चाहे तो WhatsApp को तो ऑन कर सकता है वो, क्योंकि हमने तो WhatsApp का एक बार पासवर्ड तो ओपन कर लिया है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो अब आप उसमें टाइमिंग शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आप WhatsApp को, अगर जैसे आपने WhatsApp चलाना छोड़ दिया, जैसे कि आप जैसे अभी WhatsApp यूज़ कर रहे हो, WhatsApp चलाते चलाते गलती से, मतलब कोई भी आपका फ्रेंड है, कोई घर में है, कोई भी आपसे मोबाइल मांग लिया, अब वो मोबाइल लिया, किसी को कॉल कर लिया या फिर कोई अदर एप्लीकेशन उसने यूज़ किया, फिर वो सोचा कि चलो WhatsApp भी चेक कर लेते हैं, तो वो जैसे ही WhatsApp में आने की कोशिश करेगा तो वहाँ पास उस पर्सन को पासवर्ड मांगेगा और वो पासवर्ड सिर्फ आपको पता होगा, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक से 30 सेकेंड बाद या फिर एक मिनट बाद पासवर्ड लग जाएगा ऑटोमेटिक से WhatsApp पे। आपका फ़ोन कितना ही ओपन क्यों ना हो, फिर भी वो WhatsApp में ऑटोमेटिक से पासवर्ड लग जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्राइवेसी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। तो आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट लॉक पर क्लिक करना है और यहाँ पर से देख सकते हैं अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, तो आपको इसे पहले ऑन करना पड़ेगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और अपना जो भी मोबाइल पे आपने जो फिंगरप्रिंट लगाया होगा मोबाइल पे, वो आपको यहाँ पर से उस फिंगरप्रिंट को आपको यहाँ पर से लगा देना है। ये देखिए, यहाँ पर से मैंने यूज़ कर लिया अपने फिंगरप्रिंट को। अब यहाँ पर से देख सकते हैं ऑटोमेटिकली लॉग, ये इमीडिएटली का भी है, आफ्टर वन मिनट का भी है, आफ्टर 30 मिनट। अगर आप चाहते हैं कि इमीडिएटली पे करना, तो जैसे आप इमीडिएटली पे क्लिक कर लोगे ना, तो जैसे आप WhatsApp से बैक जाओगे, तुरंत से WhatsApp में वापस से पासवर्ड लग जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग भी है, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो या फिर घर पे हो,
तो इन एप्लीकेशंस में जो सेटिंग्स रहती हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं, जिससे कोई भी पर्सन आपके प्राइवेसी, आपकी सिक्योर चैट को नहीं पढ़ सकता है। आप केवल अपनी चैट को प्राइवेसी ही नहीं बल्कि आप अपने पूरे व्हाट्सएप को सिक्योर रख सकेंगे, क्योंकि कोई भी पर्सन आपकी चैट को पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचेगा नहीं। तो इसके लिए आपको इसे ऑन करके बस इतना काम करना है। आप इमिडिएटली कर सकते हैं, आफ्टर 1 मिनट कर सकते हैं, आफ्टर 30 मिनट। तो एक छोटा सा सेटिंग था, लेकिन इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। इससे आप अपने व्हाट्सएप चैट को और भी ज़्यादा प्राइवेसी सिक्योर कर पाएंगे। तो आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।